जोहार नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 अगस्त यानी आदिवासी दिवस, और आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं जाने वाला हूँ रांची का बिरसा मुंडा पार्क, और वहाँ पर जाके आप लोगों को बताने वाला हूँ झारखंड के तौर तरीके, झारखंड की संस्कृति, और झारखंड को लड़ने में किन किन वीरों ने अपना योगदान दिया और झारखंड को लड़के किस तरह से अलग किया। तो सारे जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिलने वाला है। तो जो लोग झारखंड के बारे में जानना चाहते हैं ब्लॉग्स में एंड तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ अपने रूम से और वीडियो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। मैं डायरेक्ट चलता हूँ बिरसा मुंडा पार्क, और वहाँ से आप लोग को झारखंड की संस्कृति, झारखंड की पहचान और झारखंड के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। तो ब्लॉग्स में एंड तक बने रहिए, चलिए ब्लॉग्स को चालू करते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं बिरसा मुंडा फन पार्क। ये देखिए झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024, और ये बाहर का व्यू अंदर से आप लोगों को शेयर कराते हैं। ये देखिए अंदर का नज़ारा। सबसे पहले देखिए कि कितना साफ सुथरा रखा गया है, कितना अच्छा मेंटेन किया गया है, काफ़ी साफ सुथरा। देखिए काफ़ी लोग आए हैं आज झारखंड और झारखंड के बारे में जानने के लिए। और इस तरफ है इसका मेन पंडाल, तो पंडाल की ओर चलेंगे अभी और दिखाएंगे वहाँ पर ही झारखंडी संस्कृति, झारखंडी तौर तरीका। तो चलते हैं आगे और आगे से व्यू आप लोगों को शेयर कराते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं इसके मेन लोकेशन पर, यहाँ से व्यू देखिए। तो कितना खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा पंडाल है ये देखिए। और चलिए अंदर से आप लोगों को शेयर कराते हैं। ये देखिए अंदर का व्यू। तो काफ़ी लोग बैठ के यहाँ पर झारखंडी संस्कृति का लुत्फ़ उठा रहे हैं और समझ रहे हैं झारखंड के बारे में। और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ी पंडाल बनाई गई यहाँ पर। देखिए काफ़ी लोग हैं, बाहर का व्यू देखिए कितना साफ सुथरा और कितना खूबसूरत हरा हरा दिखता हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी आप लोगों को मेन लोकेशन दिखाएंगे। थोड़ा यहाँ से लोकेशन देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है इसे। इसे आप फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम उसी लुक में है, और लोग यहाँ पर ही सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ से व्यू देखिए, ये रहा है इसका गेट नंबर 2, और काफ़ी साफ सुथरा है देखिए, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे झारखंड का वीर भगवान बिरसा मुंडा का पुतला, और लोग उनके पुतले के सामने तस्वीर ले रहे हैं। और थोड़े से इसके इस तरफ देखिए हमारे झारखंड के पीएम श्री हेमंत सोरेन जी। देखिए झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024, और ये रहा बिरसा मुंडा संग्रहालय। ये रहा इसका मेन गेट, चलते हैं अंदर। देखिए अंदर का व्यू देखिए, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं झारखंड के बारे में चित्र के माध्यम से। तो कितना खूबसूरत हरा भरा दिख रहा है और कितना साफ सुथरा है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं झारखंड के बारे में तो एक बार आए आप लोग बिरसा मुंडा पार्क, और झारखंड के बारे में जाने, काफ़ी चीज़ यहाँ पर आपको झारखंड के बारे में देखने के लिए मिलेगा।
और इस तरफ है अभी आपका पुराना जेल। तो चलिए आगे से आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए यह पुराना जेल है, आज से कुछ साल पहले कैदी लोग यहाँ पर रहा करते थे जब ये जेल था उस टाइम पर। अब जेल कहीं और पर शिफ्ट हो गया है और इसे पार्क बना दिया गया है। तो काफ़ी लोग हैं। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत, वाव। इस तरफ देखिए जितना भी झारखंड के क्रांतिकारी है उनका पुतला, उनका मूर्ति रखा गया है और लोग उस मूर्ति के साथ सामने जाकर तस्वीर ले रहे हैं, अपना पल को यादगार बना रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आए हुए हैं। ये कितना खूबसूरत हरा भरा दिखता हमारा झारखंड, और झारखंड का ये वीर लोग का तस्वीर। आ देखिए बच्चे भी काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये रहा, ये वही जेल है जहाँ पर ये भगवान बिरसा मुंडा को मारा गया था जहर दे के, और बोला गया था कि इनकी मृत्यु हो गई। और ये रहा जेल का ऊपर का व्यू। तो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर, और ऊपर से आप लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और बताते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से आप लोगों को व्यू शेयर कराते हैं। दिल ऊपर आने के बाद ये देखिए भगवान बिरसा मुंडा का वंशावली, वंशावली दिखने के बाद आप लोग इधर देखिए उनके गांव उलिहातू जो खूंटी जिला में है। और ये देखिए वजूद गांव, चैबासा, बंदगांव, यानी उन्होंने शुरू से ले लास्ट तक जो जो किया अपने झारखंड को बचाने के लिए, उनका सारा कुछ यहाँ पर ही तस्वीर के माध्यम से दिया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार आप लोग आइए और यहाँ पर घूमिए और देखिए झारखंड को लड़ने के लिए कितना लोगों ने अपना योगदान दिया, कितने लोग शहीद हो गए। और ये देखिए सारे तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है।